जी हम अग्रणी न्यूज से हैं और अभी हम पटना में हैं राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जी रणविजय साहू जी के साथ। आप जानना चाहेंगे कि अध्यक्ष जी बताइए कि आपने इस पार्टी को मजबूत किया है और रोज व्यवसायियों के साथ हत्या हो रही है, घटना घट रही है और आप हर जगह मौजूद होते हैं, तो आप कैसे मजबूत किए हैं और कैसे लोगों से मिलते हैं, इनके बारे में बताइए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल व्यवसायी प्रकोष्ठ का संगठन पूरे बिहार भर में हमने प्रखंड स्तर तक अपनी पहुंच बनाई है और उस माध्यम से हमारे आदरणीय नेता, गरीबों के नेता, सामाजिक न्याय के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, युवा नेतृत्व आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में लगातार लड़ाई कर रहा। और आप जानते हैं इस प्रदेश में या केंद्र में व्यवसायी वर्ग से ही जो टैक्स आता है उससे सरकार से संघीय ढांचा चलता है। और 15 वर्षों में इस प्रदेश में क्या हुआ, हम व्यवसायी वर्ग अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई से केंद्र और राज्य सरकार चलाने का काम करते हैं, लेकिन इसके बदले में कहीं हमसे रंगदारी, कहीं हमारा हत्या, अफसरों के द्वारा दोहन, शोषण, अपराधियों का सॉफ्ट टारगेट व्यवसायी समाज। आपको आश्चर्य होगा यह जान के कि सिर्फ लॉकडाउन में पूरे बिहार में 30 व्यवसायियों की निर्मम हत्या की गई, लगभग 1.5 दर्जन गंभीर रूप से घायल हुए और व्यवसायी समाज के नकली नेता माननीय सुशील कुमार मोदी जी किसी भी व्यवसायी के घर पर उसका आंसू पोछने भी नहीं गए। और मैं नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर उस पीड़ित परिवार के बीच गया और गला लगाने का काम किया और न्याय के लिए आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी के निर्देश पर कई जगह उसको न्याय मिला। तो व्यवसायी बिहार का तो गुस्से में है, गुस्से का कारण स्पष्ट है, आप समझिए। पहले नोटबंदी, उसके बाद GST, उसके बाद कोरोना का मार, अभी 16 जिले में बाढ़ है, तो पूरा व्यवसायी वर्ग त्राहिमाम है और गुस्से में है, आक्रोश में भी है। और व्यवसायी समाज एकजुट होके जो एक नौजवान है 30 साल का आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उसने प्रतिभा का, अपने नेतृत्व का, अपने तेजस्वी जो नेतृत्व क्षमता है उन्होंने साबित किया है बिहार के सदन पर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी जब सदन में थे तो प्रश्नों का बौछार हो रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को सवालों का जवाब नहीं था। तेजस्वी यादव तर्कों में बात कर रहे थे, आंकड़ों में बात कर रहे थे और सरकार की तरफ से कोई इसका जवाब नहीं था। बिहार के 12 करोड़ के लोगों ने यह देखने का काम किया और खासकर व्यवसायियों में एक विश्वास आस्था जगी है, क्योंकि 15 साल में इन्होंने बिहार में एक भी उद्योग धंधा लगाने का काम नहीं किया, व्यापारी के लिए कोई पॉलिसी का निर्माण नहीं किया। और हमें उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी तो व्यवसायी आयोग का गठन होगा। व्यवसायी के साथ इतना घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है, व्यवसायी के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां बात रख के उसको न्याय मिल सके। इस सरकार में थाना हो या अन्य न्यायिक जो सरकार का प्रक्रिया है, कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके कारण पूरा व्यवसायी समाज एकजुट होके आज आने वाले चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और लालू प्रसाद यादव जी ने तो पहले से भी इस व्यवसायी को आगे बढ़ाने के लिए कई ऐसे काम किए, मैं दर्जनों उदाहरण दे सकता हूँ। बिहार का वित्त मंत्री भाई कौन हुआ करते थे, स्वर्गीय शंकर प्रसाद टेकरीवाल साहब, एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे, लघु सिंचाई मंत्री विजय कुमार गुप्ता जी, टेक्निकल मिनिस्टर बिज बिहारी जी, ऐसे दर्जनों मंत्री थे। बिहार के मुख्य सचिव हमारे समाज के मुकुंद बाबू हुआ करते थे, पटना के DM अरविंद बर्नवाल हमारे समाज के हुए करते थे। तो व्यवसायी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लगातार प्रयास किया और हमें उम्मीद है कि आने वाला जो समय है उसमें इस व्यवसायी समाज को भी भागीदारी
आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि आबादी के अनुसार मैं भागीदारी दूंगा, तो पूरा व्यवसायी समाज एकजुट है और आने वाला समय में उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगा। रणविजय साहू, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल व्यवसायी प्रकोष्ठ, बिहार। क्या